सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, रियल गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिहार। वेलकम बैक टू इन अनदर वीडियो। और अभी आपका ये कोलकाता व्लॉगर है, बिहार के काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है बोधगया। मैंने ऑलरेडी बोधगया से रिलेटेड व्लॉग कर चुका हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बोधगया में काफ़ी बड़ा वाटर पार्क है, जो बिहार का सबसे बड़ा वाटर पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है छमछम वाटर पार्क। और इस वाटर पार्क से रिलेटेड आपको हम ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो हर बार की तरह इस बार भी होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग विद इन्फॉर्मेटिव। तो वीडियो को इसी तरीके से पूरा देखते रहिए और अपने इस व्लॉगर के साथ इस बोधगया में इंजॉय करते रहिए। जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू बोधगया वाटर पार्क। और ये बिहार का सबसे बड़ा वाटर पार्क में से एक है। और हमारा जो फोर व्हीलर पार्क किया गया है आप हमारे पास में देख सकते हो। और इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। और इसके ओपनिंग एंड क्लोज टाइमिंग के बारे में बात किया जाए तो ये वाटर पार्क सुबह के 9 बजे ओपन होता है और शाम के 7 बजे तक ये बंद हो जाता है। और यहाँ पे इसके टिकट प्राइस के बारे में बात किया जाए तो आपको पर पर्सन 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। पर पर्सन टिकट प्राइस 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टिकट काउंटर। वैसे हम पहुँच चुके हैं बोधगया वाटर पार्क के टिकट काउंटर में और यहाँ पे टिकट काउंटर के स्टाफ। तो यहाँ पे पर पर्सन टिकट प्राइस कितना लगता है? पर पर्सन 300। पर पर्सन टिकट प्राइस 300। और अगर आप 300 पे कर देते तो यहाँ पे जो यहाँ पे आसपास में जो क्लॉथ देख रहे हैं ये सब फ्री में दिया जाएगा। बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा। और अगर यहाँ पे चिल्ड्रन आते हैं तो चिल्ड्रन के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है? चिल्ड्रन के लिए जो 3 फीट से जो ऊपर है उनका सेम है प्राइस। मतलब 3 फीट से जो ऊपर है चिल्ड्रन उनके लिए आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर जो 3 फीट से नीचे उनके लिए कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज नहीं है। और ऑनलाइन टिकट इसे बुक नहीं होता है? नहीं सर, ऑनलाइन टिकट बुक नहीं होता है। ऑनलाइन टिकट बुक नहीं होता है। आप आके यहाँ पे आराम से टिकट परचेज कर सकते हैं ऑफलाइन। और ये सप्ताह के किसी दिन बंद रहता है? नहीं सर, ये सप्ताह के हर दिन खुला रहता है। संडे या मंडे हर दिन खुले रहते हैं। और वो साल में एक बार जब पुल साफ होता है तो कभी कभी बंद हो सकता है? नहीं, कभी नहीं बंद होता। ये कभी बंद ही नहीं होता ये। तो आप एक को अब हम यहाँ पे दिखलाते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। थैंक यू बात करने के लिए। और यहाँ पे आपको पर्सनल लॉकर दिया जाएगा, जैसा कि आप हमारे पास में देख सकते हो। यहाँ पे आपको पर्सनल लॉकर दिया जाएगा जहाँ पे इसका भी चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ता। और यहाँ पे लेडीज़ चेंजिंग रूम एंड यहाँ पे बॉयज़ चेंजिंग रूम। और अब चलते हैं हम लोग इस वाटर पार्क के अंदर। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, और फाइनली आपका ये कोलकाता व्लॉगर पहुंच चुका है बिहार के सबसे बड़े वाटर पार्क में। और जैसा कि देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स लोग साथ में यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे अभी बेसिकली सॉन्ग हमेशा बजते रहता है और वीडियो करने की वजह से यहाँ पे अभी सॉन्ग बंद कराया गया है क्योंकि कॉपीराइट प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे सब हमारे ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स लोग इंजॉय करते हुए और यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और इस पार्क में आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप 300 रुपीज़ पे करने के बाद आप यहाँ पे शाम के 7 बजे तक मस्ती कर सकते हैं। और देखिए, और इसके बाद फिर अब हम भी जाने वाले हैं वहाँ पे स्लाइडिंग में। तो वीडियो हर बार की तरह इस बार भी होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग विद इन्फॉर्मेटिव। तो वीडियो को देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और अभी आप लोगों ने यहाँ पे स्विमिंग पूल देख चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली जेंट्स के लिए है और यहाँ पे आपको शाम के रिफ्रेशमेंट का सारा यहाँ पर बंदोबस्त मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आकर इजिली फूड आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो स्नैक्स शाम के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे ये स्लाइडिंग, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा। मैंने ऑलरेडी सारा ट्राई कर चुके हैं, आप जैसा कि वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपको लेडीज़ से रिलेटेड लेडीज़ डिपार्टमेंट, जहाँ पे आके गर्ल्स वेमेंस सारे यहाँ पे चिल्ड्रन से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो।
वेव पूल, यहाँ पे लहरें आती है 20 मिनट के लिए, और इसके जस्ट पास में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लेडीज से रिलेटेड, आपको यहाँ पे चिल्ड्रेन और लेडीज यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं इस पूल में, और इसके बाद यहाँ पे स्लाइडिंग, और यहाँ पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज दी गई है। अब वॉशरूम जाना है तो आप यहाँ जा सकते हो, ये स्लाइडिंग, और इससे और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे फूड कोर्ट, जहाँ पे आप शाम का रिफ्रेशमेंट इजली कर सकते हैं। और यहाँ पे वाटर पार्क में इंजॉयमेंट के बाद हम और हमारे भाई पहुँच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत टेम्पल है जो बोधगया में सिचुएटेड है, और वैसे ये बुद्धिस्ट के लिए टूरिस्ट प्लेस काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे आप फोटोग्राफी वगैरह काफ़ी इजली कर सकते हैं, और ये रात के टाइम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी बेहतर किया गया है, और अब हम लोग यहाँ से चलते कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि वाटर पार्क में जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो गया है। तो अब हम लोग चलते खाना खाते, उसके बाद फिर आपसे हम बातें करते। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिए, और यहाँ पे थोड़ा व्यू देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स एंजॉय द व्यू। फाइनली बोधगया का टेम्पल देखने के बाद अब हम लोग रवाना हो रहे हैं अपने गांव की तरफ, और अभी ये जो रोड है ये रोड में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और हमारे पास में देख सकते हो आप यहाँ पे बैलगाड़ी, बुलेट कार जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, और अभी यहाँ पे ये डोभी और पटना को ये रूट जोड़ेगा, ये फोर लाइन बन रहा है यहाँ पे, अभी फोर लाइन का यहाँ पे काम चल रहा है, और हम लोग का बस लाइन होटल आने वाला है, और वहाँ पे जाने के बाद आराम से खाना है क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। मे बी 3 से 4 घंटे तो आराम से हम लोग वाटर पार्क में इंजॉय किए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ा, और आ गया है हम लोगों का होटल। तो अब हम लोग वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं। कार पार्किंग के बाद अब हम लोग चलते हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर, मेन एंट्रेंस, और इस रेस्टोरेंट के नाम के बारे में बात किया जाए तो इसका नाम है फैमिली रेस्टोरेंट, और आपको यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी फील होने वाला है। ये इसका मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे लोग अपना लंच करते हुए, और हम लोग काफ़ी बेस्ट लोकेशन के पास में है, ये है हम लोगों का लोकेशन, और हमारे ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स अभी वेट कर रहे हैं ऑर्डर का, और जैसे ही ऑर्डर आता है आपको हम दिखलाते हैं, तो बने रहिए और मस्ती करते रहिए। देवी और सजनों, 4 बजे आज लंच कंप्लीट करने के बाद जर्नी फिर से स्टार्ट हो गया है, और लंच के बारे में बेसिकली बात किया जाए तो लाइन होटल में मिलने वाला फूड्स काफ़ी बेस्ट रहता है टेस्ट में, मैंने सुना था बचपन में लेकिन आज ट्राई भी कर लिया। और यहाँ से जो ये हम लोग अभी जर्नी जहाँ पे कर रहे वो है NH2, जो बेसिकली कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है। और वाटर पार्क से रिलेटेड आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स खाली है कमेंट कीजिए, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, जिन लोगों को वीडियो पसंद आया वो हमें लाइक के थ्रू बता सकते हैं, और जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आया वो हमें डिसलाइक के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन वो लाइक और डिसलाइक वाला बटन कृपया छोड़कर मत जाइएगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ये कोलकाता ब्लॉगर इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर मेगा पार्ट ऑफ द डे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अलविदा, सुग्रान, माशाल्लाह, टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स, बूम।